देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आई हूँ मैं अपनी फ्रेंड के घर पे। इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं यहाँ पे कान्हा जी की। दिखाओ स्वाति, दिखाओ। कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं और घर में आराम से तसल्ली से चॉइस हो जाती है। ये देखिए कितनी रेड वाली ड्रेस है और ये कितना प्यारा कलर है। मार्केट में चले जाओगे ना आप, बिल्कुल भी चॉइस कर नहीं सकते। मेरे मुँह के आगे लगा दी कान्हा जी। फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने का मजा अलग है और फ्रेंड्स के और स्पेशली फ्रेंड के घर पे। ये वाली देखो, बड़ी वाली देखो, ये 5 नंबर की है। आप अपने कान्हा जी के ले रहे हो? हाँ, मैंने अपने कान्हा जी के लिए ली है। अच्छा। और एक ये ली है। वाओ, येलो कलर पिंक वाले भी दिखाओ। हाँ, ये पिंक वाली ड्रेस इतनी प्यारी है, इसे खोल के दिखा। मेरी तो सारी फ्रेंड्स ब्लॉगर बन गई। ये इतनी प्यारी ड्रेस है। ये देखो, ये माय गॉड, ये ऐसे आएगी कान्हा जी को, कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, ये इसका वो है। हाँ, ब्लाउज है। ब्लाउज नाइस, कितने प्यारे लगते हैं ना कान्हा जी के कपड़े। वाओ वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए शॉपिंग करते हैं और फिर आपको बाद में दिखाएंगे क्या क्या लिया मैंने यहाँ से। मंदिरों में भी तो ये क्या चीज़ है? ये कैरम बोर्ड। अच्छा, खेल टॉयज, बैट, बैट बॉल, हॉकी, ये बैट है तो क्रिकेट और बैडमिंटन। अरे वाह। किस टाइम खेलते कान्हा जी? हर टाइम तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं यहाँ अपने फ्रेंड के घर पे कान्हा जी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए आई थी, जो इसी ब्लॉग में मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और मेरी फ्रेंड सेल करती है कान्हा जी की सारी एसेसरीज और उनकी ऑल टाइप की ड्रेसेस। और अगर आप भी चाहते हैं घर बैठे इन चीज़ों का मंगवाना, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और उनका मैं व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और आपको घर बैठे जो भी सामान हो वो डिलीवर हो जाएगा। और आप उनके व्हाट्सअप नंबर पर चैट करके कोई भी कान्हा जी की ड्रेस एसेसरीज की पिक्स मंगवा सकते हैं और चूज करके कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे घर आने के बाद ये जो मैंने मखाना पाक बनाया था लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, तो इसको कम से कम 2 घंटे बाद मैंने कट किया और ये देखिए कितना अच्छा जम गया है। और सर्कल वाली थाली में इसको मैंने जमाया था, तो साइड के जो पीसीज हैं वो तो थोड़े से वेस्ट होते ही हैं। अगर आपके पास स्क्वायर बर्फ़ी वाला मतलब ट्रे हो, अगर उसमें आप जमाएंगे तो बिल्कुल सारे स्क्वायर पीसेज निकलेंगे। और बस यहाँ पर मैंने कट कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी मैंने मखाना पाक बना ली है। और ये जो थाली में ब्रोकन पीसेस पड़े हैं मखाना पाक के, तो ये भी खाए जाएंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे अलग से बर्फियाँ मैंने काट के रख ली हैं। और ये सच में फ्रेंड बहुत ही अच्छी लगी थी, मार्केट से भी आई थी। घर में मेरे मिठाई पेड़े लेके आए थे हस्बैंड, और जन्माष्टमी मना चुके हैं सब, कान्हा जी को भी भोग लग चुका है उस। और जन्माष्टमी मनाने के बाद जब हम सब ने मखाना पाक खाया तो पेड़े से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था फ्रेंड्स ये। और ये हो गया नेक्स्ट डे, यहाँ पे आज बच्चों की छुट्टी है तो मैंने अपनी डॉटर को बुलाया सुबह सुबह यहाँ पे, वो कान्हा जी को स्नान करा रही है। और हस्बैंड की आज छुट्टी नहीं थी तो मैं उनके लिए कुछ नाश्ता बनाने जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं भी फास्ट रख लेता हूँ। और वैसे मतलब ये वाला फास्ट रखने में बहुत इंटरेस्ट है उनको, तो हमेशा वो जन्माष्टमी का फास्ट ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ पे दोनों ने, बेटी ने और हस्बैंड ने पूजा कर ली है और भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगाया। और घर में जो मिठाइयाँ आई थी पेड़े और जो मैंने मखाना पाक बनाया था उसका भोग हमने लगा दिया था। और फ्रेंड्स ये वाली क्लिप्स हैं जब मैं पूजा कर रही हूँ, तो बस मैंने नहाने धोने के बाद भगवान जी को फिर से दिया बत्ती करी, क्योंकि इतनी देर तक दिया जलता नहीं है। और क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने बच्चों से फूल मंगा लिए थे, बट ये है ना कि बच्चे मतलब ज़्यादा से फूल लेके नहीं आते, तो थोड़े से फूल मेरी बेटी लेके आई थी, वही मैंने सजा दिए हैं मंदिर में। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अब मैं दिखाऊंगी क्या क्या ड्रेसेस मैं लेके आई हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये वाली जो ड्रेस है येल्लो वाली, ये बहुत ही सुंदर लग रही थी और मतलब इसके फ्लावर्स देख के मेरा बिल्कुल मन कर गया कि मैं इसको ले लेती हूँ। और आपने जब क्लिप्स देखी होंगी जो मैं अपनी फ्रेंड के घर पर शो की थी, तो वहाँ पर ऐसे ही पैटर्न में और भी ड्रेसेस थी। और ये है पिंक ड्रेस जिसका जो साइड वाला जो एजेस है बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये ऑरेंज ड्रेस ली है, 3 ड्रेसेस मैंने ली हैं कान्हा जी के लिए। और यहाँ पे ये वाली जो पिंक ड्रेस है ये तो आपने देखी होगी रक्षाबंधन ब्लॉग में। और ये वाली एक माला ली है ऑरेंज कलर की, इसे मैच करके।
और वैसे मेरे पास काफ़ी सारी एसेसरीज पड़ी हैं, पर लेकिन जब भी मतलब कान्हा जी के लिए कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो मन कर ही जाता है लेने के लिए। और ये एक मुकुट लिया है मैंने कान्हा जी के लिए, अब तक मेरे पास ऐसा मुकुट नहीं था, तो लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि ये थोड़ा बड़ा ना रहे मेरे कान्हा जी को। हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स। तो ये वाला जो मंदिर है, मैं यहाँ पर मैंने कान्हा जी को सजाया हुआ था, तो शाम के लिए थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि कान्हा जी के लिए अलग से थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन करूँ। तो मैंने यहाँ पे ये मंदिर के बगल में दो कीले यहाँ पर ठोक दिए हैं और एक यहाँ पर लगा दिया है, बिल्कुल हल्का सा मार्क किया ताकि जब मैं इसको हटाऊँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स ये ग्रीन कलर का दुपट्टा है मेरे पास, तो इसको यहाँ पर मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे पुरानी राखियाँ ढूंढी जा रही हैं, डॉटर से मैंने बोला है कि ढूंढ के लाओ, और ये एक राखी पड़ी है मेरे पास पुरानी, इसको बांध दूंगी यहाँ पे ऐसे, और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं कील में अटका दूंगी। और फ्रेंड्स करीब ये 2:30 बजे का टाइम है और मेरी बेटी का भी फास्ट है आज, लेकिन मेरा बेटा फास्ट नहीं रखता है और मैं बेटी को भी मना करती हूँ लेकिन वो मानती ही नहीं है। तो पिछली बार भी उसने शिवरात्रि का ब्लॉग जबरदस्ती रखा था, लेकिन जब बच्चों का मन होता है तो क्या ही कर सकते हैं। तो बस मैंने उसको दूध के साथ यही जो मैंने मखाना पाक बनाया था वो दे दिया था, क्योंकि कान्हा जी को तो भोग लग ही चुका था, कल शाम को भी लगा था और सुबह भी। और बस यहाँ पे हम दोनों अब डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं कान्हा जी के लिए थोड़ी सी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के टाइम पे दोनों बच्चों को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि यही हमारे कस्टम है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चे देखते देखते काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। और जितने भी हाइट वाले काम होते हैं जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता है तो वो मैं सौंप देती हूँ अपने बेटे को, तो उसको लाइट लगाने के लिए मैंने बोला था। आओ ये कैसी डेकोरेशन करी है, झालर लगा दी, माय गॉड बड़ा प्यारा लग रहा है। और क्या, आपने इतना अच्छा सजा दिया तो माय गॉड नहीं बोलूंगी आपसे। अभी तो काट रहे थे, क्या कर डाला क्या कर डाला। मुझे अच्छी सी डेकोरेशन चाहिए बेटा, ठीक है सुंदर सा सजा दो। ये वाली खराब है शायद, सही है, पिंक वाली खराब है, खराब है बाबू ये देख। लेकिन हम इसके नीचे खड़े कैसे होंगे? हाँ जा दिया है मेरे दोनों बच्चों ने मिलके कान्हा जी के लिए मंदिर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम का टाइम है, इस टाइम बज रहे हैं 5 और मैंने यहाँ पे खाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि कई सारी चीज़ें बनती है जन्माष्टमी के लिए। भोग की थाली बनाऊंगी और यहाँ पे मैंने पालक को साफ करके रख लिया था, और बनाऊंगी पालक पनीर की सब्जी। और यहाँ मखाने हैं जो कल मैंने मिठाई बनाई थी, तो मैंने एक्स्ट्रा मखाने भून लिए थे, उसमें से बचे हुए हैं ये, तो इसकी मखाने की सब्जी बनेगी। और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स बच गया था, मतलब इसके अंदर सारा नारियल का बुरादा है और काजू बादाम जो पीसे हुए थे वो सब है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने सूजी भी भून लिया, काफ़ी सारी सूजी भून लिया, इसको बाद में भी यूज़ कर सकती हूँ मैं, तो इसका बनेगा हलवा। तो यहाँ पे मेन्यू में होगा पालक पनीर की सब्जी, मखाने की सब्जी, हलवा, इसका हलवा बनेगा, पूरी बनाऊंगी। और अगर कुछ और टाइम बच गया मेरे पास, वैसे तो टाइम बहुत सारा होता है, रात को भोग तो 12 बजे ही लगता है जब कान्हा जी का जन्म हो जाएगा। और ये दोनों सब्जियाँ बनेंगी बिल्कुल लहसुन प्याज और बिना टमाटर के, बिल्कुल व्रत स्पेशल सब्जी बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पे मीठा, तो इसमें हलवा बनेगा, ये सूजी भुनी हुई रखी है और ये पालक को मैंने कट कर दिया, तो इसको उबालूंगी। और ये सूजी वैसे तो भुनी हुई है लेकिन इसको अभी थोड़ा सा रोस्ट करूँगी घी के अंदर। और यहाँ पे ये वाली कटोरी के मेजरमेंट से मैं हलवा बना रही हूँ, ये वाली कटोरी पूरी भर के सूजी लूँगी मैं, तो ये वाली एक कटोरी सूजी हो जाएगी। और जिस चाशनी बनाने के लिए इसमें रखूँगी, जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही 3 कटोरी पानी रखूँगी चाशनी के लिए। और गैस मैंने ऑन कर दी है, तो इसके अंदर डाल देती हूँ मैं सूजी और घी डाल दूँगी, और इसमें जाएगा 3 कटोरी पानी। अगर आपको हलवा ज़्यादा पतला रखना है तो आप इसमें 4 कटोरी भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें भी पानी डाल दूंगी, ये पकता रहेगा पालक। बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालना है, बस इसको हल्का सा गला के हमें इसे पीसना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पालक भी चढ़ा दिया था पकने के लिए, और साथ ही साथ में जो चाशनी बना रही थी उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया शुगर, जितना मीठा पसंद हो आपको आप उतनी चीनी डाल सकते हैं। इसमें मैंने
मैंने इसमें जिस कटोरी से मैंने मेजरमेंट किया था सूजी का, बस वही वाली कटोरी भर के थोड़ी सी और एक्स्ट्रा शुगर इसके अंदर ऐड करी है। और यहाँ पे जो हलवा बन रहा है उसके अंदर कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था और उसको हल्का हल्का सा और रोस्ट कर लूँगी। और सूजी फ्रेंड्स मैं इसी तरह से रोस्ट करके रख लेती हूँ हलवा बनाने के लिए। तो जब भी हलवा बनाना हो तो आप सूजी निकालें और उसको हल्का सा रोस्ट करके आप इस तरह से हलवा इंस्टेंटली बना सकते हैं। और बस इसके अंदर ये जो चाशनी है ये पक गई है, इसके में कोई तार वगैरह कुछ नहीं बनता है और बस इसको इसके अंदर पोर कर देंगे और हमारा हलवा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा हलवा बनके तैयार है, बस अब इसको गार्निश कर दूंगी ड्राई फ्रूट से। मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और नारियल का बुरादा। और फ्रेंड भोग की थाली की बाकी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई विल सी यू सून, टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।